इसको मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, ये वैसे चलेगा नहीं अभी तो नेट तो। ठीक है, इसके बाद जैसे देखो दो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ठीक है, आने वाले क्लासेस में। जैसे अपन ऑफलाइन तो है ही, मान लो अगर किसी की कुछ भी मिस होती है, एक तो रिकॉर्डेड अपने पास रहेगा। अगर मेरे पास इतना वो हो पाता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करा पाऊँ, क्योंकि YouTube से अगर हम लाइव स्ट्रीम करते हैं तो फिर वो सबके पास जाता है, ठीक है। तो हम अगर दूसरा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ अब एज ए स्टूडेंट लॉग इन करके लाइव स्ट्रीम देख सकें, वो अगर फैसिलिटी होती है तो वो, अगर वो नहीं होती तो फिर ऐसे रहेगा कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको यूट्यूब पे एज ए प्राइवेट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें फिर जैसे ये लाइव वाला सिस्टम जो अभी चल रहा था, वो हो सकता है कि इसको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वगैरह कई चीज़ें होती हैं उसमें ना। तो अभी फॉर टाइम बींग हम ऐसा रख लेंगे कि अगर कोई क्लास मिस होगी तो उसको आप यूट्यूब पे एज ए प्राइवेट वीडियो देख सकते हो, वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, वो सारी की सारी क्लासेस तो मिलेंगी, मतलब वो तो सबके लिए अपन रखेंगे ही अपने लिए, ठीक है, फिर जो अपन क्लास में है। हाँ देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स और ड्यूटीज में हमने एक तो मोटा मोटा डिफरेंस तो हम देख ही चुके हैं। राइट्स तो हम डिमांड करते हैं कि स्टेट हमें दे, सारे के सारे जैसे इक्वालिटी का, मूवमेंट का, रिलीजन का, या फिर हम कोई प्रोटेक्शन अपने हिसाब से चाह रहे हैं माइनॉरिटीज बैकवर्ड उस हिसाब से। अब आता है ड्यूटीज की बात। तो ड्यूटीज हमसे स्टेट एक्सपेक्ट करता है कि आप ये काम करो, ठीक है। अब मान लो स्टेट ने कहा कि ये ड्यूटी आपकी है, मेरे पास ऑप्शन है मैं करूं या नहीं करूं। अब उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्टेट मैंने किया तो ठीक है भाई, उसमें तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं वो काम नहीं कर रहा, वो ड्यूटी अपनी फुलफिल नहीं कर रहा, तो क्या मुझे सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक ही इशू आता है। तो वो चीज भी डिसाइड होगी कि कुछ ड्यूटीज जो हैं उनको एनफोर्स करने के लिए हमने कानून भी बना रखे हैं, उन कानूनों में हमने प्रोविजन दे रखा है कि भाई ये काम अगर आप ऐसे तरीके से नहीं करोगे या इससे अलग कुछ किया अगेंस्ट जाके, तो आपको इस टाइप की कोई भी सजा मिल सकती है। वो हमारे कानून लॉज के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो ये ड्यूटीज एक्सपेक्टेड होती हैं, यहीं से ही म्यूचुअल ग्रोथ होती है, क्योंकि जब सारे के सारे अपनी ड्यूटीज करते हैं तभी एक हारमोनी बनती है, ठीक है। मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखूं, स्टेट की भी ये डीपीएसपी में आएगा डायरेक्टिव है कि उसको अपना एनवायरमेंट बचा के रखना है या लोगों के लिए अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो जब दोनों ही करेंगे, मान लो स्टेट तो अपना काम कर रहा है एनवायरमेंट को बचाने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें लेके आ रहा है, बट मैं नहीं कर रहा, अगर मैं नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने पॉलिथीन जला दिया, आग लगा दी उसके, ठीक है, तो आपका एनवायरमेंट खराब हुआ। उसमें स्टेट का तो कोई रोल नहीं है, स्टेट तो इतना कर सकता है कि भाई उसने बैन कर रखा है, वो आपको आगे पेनल्टी कर देगा, ठीक है, क्योंकि आप उसके जो उसने कानून बनाया उसके अगेंस्ट गए, बट वो आपसे एक्सपेक्ट भी तो कर रहा था कि आप कम से कम इसको करते ही नहीं तो आपका एनवायरमेंट सेफ रहता। इस तरीके की जो म्यूचुअल बैलेंसिंग होती है, उसी से ही हमारी जो सोसाइटी है वो भी मेंटेन्ड है और जो स्टेट है वो भी ग्रो करता है, ठीक है। तो इस कारण से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज लाई गई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, और हमने कहां से ली थी ये, रशिया, यूएसएसआर से, ठीक है। डीपीएसपी हमारे कहां से ली गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहां से ली थी, स्पेन से, ठीक है। तो देखो पहली चीज, जैसे हमारे आर्टिकल्स थे, अपने राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में मैंने पांच बताए थे जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, वो क्या थे, एक 19 से जीरो करोगे 15 16 30 29 एंड बीच में 19, ये पांच हैं। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स की तरह हमारी जो ड्यूटीज हैं ये भी सिटीजन्स में ही है। मान लो बाहर का कोई आदमी आपके पास आके रहने लग गया इंडिया में और वो ये ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम उस पर कुछ दबाव नहीं डाल सकते। ये हमने एक्सपेक्ट करी है कि जो सिटीजन होगा उसी से ही, और वो एक्सपेक्ट भी उसी से ही करे जाते हैं, दूसरे से नहीं कर सकते। उस दूसरे आदमी से उसकी कंट्री एक्सपेक्ट करेगी कि जब वो उस कंट्री में हो तो वो उन फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल करे, ठीक है।
हम हमारी कंट्री में सिर्फ हमारे सिटीजन से ही करेंगे. पार्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, 4A एंड आर्टिकल इज, ये आर्टिकल है 51A. ये फैक्चुअल चीज है, ये हमें याद रखनी, सीधा पूछा जाता है. पार्ट 3, 4, 4A. 3 इज फॉर, 4 इज फॉर डीपीएसपी एंड 4A इज फॉर, सवाल ये बनते हैं. ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए. आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है, 51A. ठीक है, हमारा 1 से लेके 4 तक तो यूनियन और स्टेट की बातें हो रही है, 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप की बातें हो रही है, 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बातें हो रही है, और डीपीएसपी की 36 से 51 तक, और 51 में फिर 1-51A हमने ऐड किया, वो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज. तो ये सारे की सारी चीजें समझ में आई. फिर अब हमें देखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ही ये लाई गई थी, ये आपको कमेटी याद रखनी है. इसी में ही मैंने बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इसने बताया कि इट इज डूइंग गुड, और उसके बाद हमने उसको बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया. ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से एक्ट करी गई ये हम देख चुके हैं, 42nd, जिसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था. स्वर्ण सिंह 42nd एंड 42nd, उसके बाद जैसे ये इंदिरा गांधी वाला जो टाइम चल रहा था ना, उसके बाद ये पीरियड शुरू हुआ था. ठीक है, इंस्पिरेशन हमारी कहां से है, यूएसएसआर, ये सवाल बनता है. ठीक है, दो कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें ड्यूटीज की बात करी गई है, ये आपका डायरेक्ट सवाल बन सकता है, जापान और इंडिया. इंडिया लेके आया है यूएसएसआर से इंस्पिरेशन, और जापान के भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है और हमारे में भी मेंशनड है. ड्यूटीज अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, बट वो इन दोनों में ही मेंशन है. लिस्ट हमारी है 10 की, एक बाद में ऐड करी गई थी, कौन से अमेंडमेंट से, 86, ये हम देख चुके हैं. और क्या था इसमें, राइट, राइट टू एजुकेशन के साथ आई थी, ठीक है ना, 21A. तो राइट टू एजुकेशन जब ऐड किया गया था, तो यहां पे 86 से ड्यूटी भी ऐड करी गई टू एजुकेट. ठीक है, ये ड्यूटी होती है पेरेंट्स पे. स्टेट एक्सपेक्ट करता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेट करे, इट इज देयर ड्यूटी. ठीक है, बच्चों का राइट होता है, हक. तो इसमें मैंने आपको तीनों चीजें बताई थी कि हाँ, जब ये चीज आई थी ना एजुकेशन वाली, तो इसमें हमारे पास पैरेलली तीनों चीजें आई हैं. ठीक है, एजुकेशन वाली में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी. फंडामेंटल राइट किसका है, एजुकेशन चाइल्ड का. डीपीएसपी में स्टेट का काम है बच्चों को पढ़ाना और उनके लिए अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कराना. ड्यूटी किसकी है, पेरेंट की. तो ये चीज आ गई, ये यहां पे हमने फंडामेंटल राइट में 21A ऐड किया. ठीक है, डीपीएसपी में भी आई थिंक 45A है, कोई कौन सा है याद है, डीपीएसपी में कौन सा ऐड है एजुकेशन में याद है कुछ, आई थिंक मेरे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, 45A हो सकता है या कुछ होगा, देख लेंगे अपन इसको. डीपीएसपी में फंडामेंटल ड्यूटी में हमने 51A में आपकी ड्यूटीज हैं, उसमें 10th थी और एक ऐड कर दी 86th अमेंडमेंट से, तो हमारी अब हो गई है 11. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, हमारा 61st अमेंडमेंट क्या था, क्या क्या था, वोट, वोट वाले में जो हमारी एज 21 से 18. ठीक है, 61 ठीक है, चलो ये 61st याद रखना है. 73 हमारा क्या है, पंचायत है ना. 74 क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज. ठीक है, साइलेंट पे भी बज रहा है. ठीक है, अच्छा अब
21, 71, 92, ये तीन अमेंडमेंट हमारे आए थे एक जगह, किसमें आए थे? हाँ जी, मैंने ये बताया था कि 21 प्लस 71 92। हाँ? लैंग्वेज वाले में ध्यान आ रहा है, लैंग्वेज में जब ऐड करी गई थी सिद्धू कमीना बीडीएम संथाल, सिद्धू खेल रहा है बीडीएम के बैट से, संथाल कमीना सिंधी 21 से, KMN कोंकणी मणिपुरी नागालैंडी जो भी थी, ठीक है 92, ठीक है बीडीएम बोडो डोगरी मैथिली जो भी रही है, ठीक है तो ये 92 और ये सब था, ठीक है। ऐसे ही फिर हमारे पास इनको देखो, मेन चीज क्या है, इनको बीच बीच में हम ऐसे ही लेंगे, ठीक है ना, तभी ही ये हमारी चीजें सारी कंसोलिडेट हो जाएंगी। हमें इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, रिवीजन बार बार आता रहेगा अपना, ठीक है। ऐसे ही अपना 10th जो शेड्यूल था वो किस लिए था? एंटी डिफेक्शन, ठीक है। उसमें हमारे दो आर्टिकल आए थे, अमेंडमेंट सॉरी 52 एंड 91, ठीक है। 52 में कुछ एक्सेप्शंस थी वो हम बाद में देखेंगे, 91 में एक चीज उनमें से हटा दी गई, यहाँ पे तीन चीजें थी, तीन में से दो ही रखी गई है, तो ये हो गया मोटा मोटा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे दोबारा से, अब देखो ये हो गया, लिस्ट होगी, हाँ ये एजुकेशन वाला हो गया हमारा। अब हम चलते हैं इनको याद कैसे रखना, सारी की सारी ड्यूटीज कैसे याद रखनी है अपनी। हमारा अब मुद्दा आता है ये 11 ड्यूटी है, इनको आप पढ़ लेना आराम से। स्टोरी सुनो, इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चल रहा है, उसमें सब लोगों ने अपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। गांधी जी ने अपना दिया, नेहरू जी ने अपना दिया, अलग अलग जगह से अलग अलग आइडियल्स आए, आइडिया भी आए, प्रिंसिपल्स आए, डेमोक्रेसी लिबर्टी, तो एक ऐसी चीज थी ना जिसने हमारी सोसाइटी को बहुत आगे तक लेके गई। फर्स्ट हमें इंडिपेंडेंस दिलाई, सेकंड उन्हीं चीजों से ही हमने बिल्डअप करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के आगे बढ़े, ठीक है। तो अगर हमारी ड्यूटीज बनेंगी तो प्राइमरीली ऐसा तो होना चाहिए कि उस टाइम पे जो आपकी चीजें चल रही हैं आप उनको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। फिर जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है आप उसको भी रिस्पेक्ट करो। आजादी वाले दिन झंडा लहराया था, झंडे को रिस्पेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हम उस झंडे को भी रिस्पेक्ट करें। नेशनल एंथम हमारा है, इस टाइप की नेशनल चीजें जो है उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे आसपास का देखें, हम जीव जंतु हैं, एनवायरनमेंट है, उसको भी ढंग से रखो, प्रोटेक्ट करो। वुमन्स है वुमन्स है तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है वो मेरे अंदर सेट हो चुका है, तो उनकी जो डिग्निटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। और ये उनका राइट भी है, ये भी ध्यान रखना। ये सवाल पूछा जा चुका है कि मतलब डिग्निटी ऑफ द वुमेन जो आपकी इंक्लूडेड होती है फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, इसमें ड्यूटीज में, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। फिर अपने आसपास हमने देखा एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, इसको प्रोटेक्ट किया, देन आपका क्या आता है, मान लिया जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप जा रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी हमें अच्छे से ध्यान से रखना है, ठीक है। अब एज ए इंडिविजुअल सोचो, ये तो हमने आसपास का देखा, हमने हिस्ट्री देखी, हमने अपने आसपास का देखा, फिर हम सोचते हैं एज ए इंडिविजुअल मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं। तो मेरी सवाल पूछने की टेंडेंसी होनी चाहिए, साइंटिफिक टेंपर वो ग्रो होना चाहिए मेरा, ठीक है। ये चीज भी मेरी फंडामेंटल ड्यूटी है कि मैं पूछूं। अभी हम अभी जब हम यहाँ से क्लास के बाद गए थे तो मेरे काफ़ी दोस्त भी जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो रेगुलरली जैसे देखते हैं फिर फीडबैक भी देते हैं कि कैसा आया। तो आज सबसे पहले जो मेरे पास कमेंट आया ना वो ये आया था कि जब सुबह हम लोग रिवाइज कर रहे थे देन एवरीबडी वॉज लाइक कि सबका पार्टिसिपेशन इतना अच्छा था, आवाज़ आ रही थी जो पीछे से कि सब लोग उस रिवीजन से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, उन्होंने भी अपना पार्ट प्ले किया, आप लोग भी पढ़ के आए, हम लोगों ने चीज़ों को वैसे ही कवर अप किया, तो उस हिसाब से हमारी चीज़ें भी ग्रो करी। तो
उसमें कहा कि यार ये बहुत अच्छी चीज थी, ठीक है। तो इसी चीज को अपने को ये देखना है कि अब चलो हमारी दो क्लास हो गई हैं, शुरू में आदमी नया नया जुड़ता है तो नई नई चीजें होती, मैं भी आपके लिए नया था, आप भी हम नए थे, अब हम धीरे धीरे पुराने होते जाएंगे, ठीक है, तब हमारा इंटरेक्शन और ज्यादा बढ़ना चाहिए एक दूसरे के साथ भी। उससे क्या होगा, नई नई चीजें बाहर निकल के आएंगी, ठीक है, आज जैसे क्लास में ही आई, ठीक है, ऐसे ही बाहर भी अगर हम इंटरेक्ट करते हैं तब भी, ठीक है, मैं हमारी ही बात कर रहा हूं, वैसे भी इन जनरल भी आप इसको ले सकते हो, बट अभी मेरा फोकस सिर्फ इस पे है, ठीक है, कि हम आपस में भी कि भाई हाँ सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के साथ साथ और कैसे ग्रो किया जा सकता है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि यार ये चीज है ऐसे है, ठीक है, उन चीजों को आप भी जितने सवाल दिमाग में आते हैं उतने पूछो, ठीक है, पर अगर मुझे कुछ लगेगा कि ये हम डाइवर्स कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो उस चीज को हम बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम सारी की सारी चीजें क्लास में ही सोल्व करें, क्लास में हमारा सिर्फ एक ही मोटो है कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसी पे ही फोकस रखना है बस, ठीक है, क्लास के बाहर हमें खुद के लिए भी पढ़ना है और बाद में जो चीजें सोचनी है। तो ये साइंटिफिक टेम्पर वाली जो मैं चीज बोल रहा था, ये उसके लिए कि हमें अपने सवाल पूछने की क्षमता को सिर्फ क्लास के लिए ही नहीं बाहर के लिए भी बढ़ाना पड़ेगा, वहीं से ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ना ग्रो करने लगेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज ही अमित भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो कह रहा था कि जैसे मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं अपनी ओपीडी भी शुरू कर सकता था, ठीक है, बट मैंने टीचिंग मुझे अच्छी लगी है, अब मैं 6 घंटे खड़े होकर बोल रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, वो हो सकता है मुझे तब नहीं करना पड़ता, मैंने अपने हिसाब से ही इस चीज़ को सोचा, ये मेरा साइंटिफिक टेम्पर था, मैंने अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया, वो लोग इतनी जल्दी कन्विंस होने वाले नहीं थे, ठीक है, ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप लोगों आपको कन्विंस भी करना पड़ता है जो लोग आपसे क्लोजली जुड़े होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ करते हो। सेकेंड एक चीज अमित बता रहा था कि जैसे वुमन से रिलेटेड एक आपका ना वीरांगना में, राज्यसभा टीवी में, अमित राज्यसभा टीवी में ना वीरांगना के नाम से आता है, तो उसको आप चेक कर सकते हो, छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं 5 मिनट की 10 मिनट की ऐसी, उसमें आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है, उसको देखना। ये एग्जाम देखो वुमन का जो इश्यू है वो पूछा ही पूछा जाता है, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, देयर रोल इन इंडिपेंडेंस, देयर रोल इन सोसाइटी, कैसे उनका रोल चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद वुमेन्स का रोल कैसे चेंज हुआ, कोरोना के बाद हम कह सकते हैं, ऐसी स्टोरीज इसमें भी आती रहती हैं, कैसे उनका जॉब लॉस हुआ, ठीक है, ज्यादातर इफेक्ट उन पे भी पड़ा है, ठीक है, तो हर चीज को उस जेंडर परस्पेक्टिव से हमें देखना ही देखना है, ठीक है, तो उसमें आप उस चीज को देख सकते हो, वॉच आउट करो, ऐसे एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, फिर लगभग हो गए, और कुछ आएगा तो इसमें हम देख लेते हैं। देखो अब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, फ्लैग को, एंथम को, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज को, हाँ इसमें अब एक चीज इंडिविजुअल का देख लिया, अब आते हैं हमारी सोसाइटी हम आस पास, तो वहां पे हमारे जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड की जो बात आती है, उसको जो हम प्रमोट करते हैं ब्रदरहुड को, वो भी हमारी एक ड्यूटी होती है, ठीक है, तो हमारी स्टोरी समझ में आ गई ना सारी की सारी, तो बस ये सारे हो गए कंप्लीट। अब ये हो गया फ्रीडम स्ट्रगल, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये भी हमें मेंटेन करना है। अगर इंटीग्रिटी पे कोई सवाल उठाता है, कोई बाहर से आके अटैक करता है, तो ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैं जाके लड़ूं, जब भी आपको बुलाया जाए लड़ने के लिए, ठीक है, तो करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, तो यहां पे है कि डिफेंड व्हेन कॉल्ड अपॉन, फ्रेटर्निटी, रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये हमने देख लिया, वैल्यू एंड प्रिजर्व द कल्चर, एनवायरमेंट, कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर, ये होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इंडिविजुअल के लिए लाइफ में देखो एक जिंदगी मिली है, ठीक है, थोड़ी सी फिलोसॉफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, इस चीज को समझना, एक जिंदगी मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है बट इस फॉर्म में नहीं मिलेगी जिस फॉर्म में अभी है, तो हमेशा अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इंपॉर्टेंस तो सबसे ऊपर रखनी है, ठीक है, और उसमें जितना आदमी बाहर की चीजों के बारे में जानता है, समझता है और सवाल करता है, वहीं से ही वो लाइफ में उतना अच्छा ग्रो भी करता है, पीस भी आता है जिंदगी में, ठीक है, खुशी भी रहती है, जो छोटी छोटी भड़क होती है ना वो खत्म हो जाती है, ठीक
ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक टेंपर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पूछना। आपको कोई आके ऐसे ही नहीं दबा सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है, पूछो उससे, करना है। फिर पब्लिक प्रॉपर्टी हमने देख लिया, एब्जर्व वायलेंस, आपको वायलेंस भी नहीं करना है, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। हमेशा थ्री इडियट्स में बोलता है किसकी तरफ, सक्सेस की तरफ मत भागो, एक्सीलेंस की तरफ भागो, सक्सेस झक मार के खुद पीछे आएगी। जो आदमी हार्डवर्क करता है उसको यहां नहीं तो कहीं और, कहीं ना कहीं लाइफ में तो सक्सेस मिलती ही मिलती है, एटलीस्ट वो खुद भी सेटिस्फाइड रहता है। जो अपना पूरा दे के काम करेगा वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, वो रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, बट जो आपकी मेहनत होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, और यहां पे इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव एक्सीलेंस। मैं अपने अपने एक्सीलेंस की बात नहीं करूं, हम सारे मिलके भी हम उस लेवल पे पहुंचे। अब मेरा जो मोटो है, मेरा ये मोटो है, मैंने जो 6 साल में पढ़ा है, सीखा है, वो मैं आपको 6 महीने में, 7 महीने में करा दूं, उस लेवल पे एटलीस्ट हमारी तैयारी हो जाए। अब उसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हम उस पे, 100 है तो हम 95, 99 ऐसे पहुंच सकते हैं। वहां तो एक इंडिविजुअल वाला फैक्टर तो रहेगा, ठीक है, बट मेरा ये मोटो तो यही कलेक्टिव हमारे एक्सेलेंस का मोटो होना चाहिए एक दूसरे के साथ। सम मॉरल सिविक ड्यूटीज होती है, तो कुछ मॉरल हो, ये तो एक पॉइंट है कि भाई कुछ मॉरल मॉरेलिटी को प्रमोट कर रही हैं, कुछ सिविक सेंस को प्रमोट कर रही हैं, जैसे बचाना और ये कंपैशन टाइप की, पब्लिक प्रॉपर्टी टाइप की, ठीक है। एंड ये चीज मैंने पहले बताई थी, दैट दे कैन बी एनफोर्स्ड बाय कानून, ठीक है, लोगों पे लगा सकते हैं, ठीक है, तो कानून के हिसाब से आपका आएगा ही आएगा। तो ये आपका हो जाता है, सारे के सारे ड्यूटीज के लिए कानून नहीं बने हैं, कुछ के लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नेशनल फ्लैग को अगर कोई मारेगा, तोड़ेगा, काटेगा, फीटेगा, तो उसको सजा मिलेगी। नेशनल एंथम में जब हम खड़े नहीं होते हैं, फॉर सम रीजन नहीं खड़े होते, वो एक्सक्यूज्ड है। बट अगर आदमी जानबूझ के नहीं खड़ा हो रहा, डांस कर रहा है, तो वहां पे हम उसको कुछ कह सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की चीजें जो वुमेन वाली हमने देखी थी कि भाई उनको आपको रिस्पेक्ट करना है, अगर आप नहीं करोगे, कुछ छेड़छाड़ करी, स्टॉकिंग, ठीक है, बकवास करी, तो उसके लिए भी हमारे पास कानून है, ठीक है। तो हमारे कानून सारी ड्यूटीज के लिए नहीं है, है। क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई ये लिस्ट जो है ये तो मतलब कितनी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, हमने कुछ डाल दी, काफी चीजें तो छूट भी गई, ठीक है। जैसे ड्यूटी टू पे टैक्स हो सकता था इसमें, जब मैं सोचता था तो एक हमारे पास कंसेप्ट आता है कलेक्टिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम कॉरपोरेट्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं कि भाई 3 साल का उनका प्रॉफिट अगर इससे ऊपर है तो वो 2% अपना कलेक्टिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं टू डेवलप सोसाइटी में सोशल चीजें, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, टॉयलेट फैसिलिटीज हो सकती हैं, पार्क हो सकता है, कुछ भी। ऐसे ही हो सकता है इंडिविजुअल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर सकते हैं कि एज ए इंडिविजुअल हमारा टैक्स पे करना ड्यूटी हो सकती है, ठीक है, तो उसको हम देख सकते हैं कि भाई। और ये तो फिर लिस्ट वाली बात होगी, नॉन वेग, सम आर वेग एंड एम्बिगुअस, पता नहीं चल रही, ये सब ना 3-5 करने की चीजें होती हैं, ये लिखनी होती हैं बस, ये वैसे है। मेंस में सिर्फ ये आपका बन सकता है कि इनमें क्लैरिटी आपकी नहीं आ रही कि कहाँ तक हमें जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नॉन जस्टिसिएबल आएगा फिर से यहाँ पे, तो नॉन जस्टिसिएबल है ये, ठीक है, सेम चीज, क्योंकि यहाँ पे जाके मैं वो नहीं बोल सकता कि भाई कानून में बोलूँ या फिर वो मुझे, क्योंकि ये तो मेरी ही ड्यूटी है, मैं क्या कहूँगा, जो मैं कल कह रहा था, मैं ये थोड़ी कहूंगा जाके कि यार मेरी फंडामेंटल ड्यूटी ये क्यों नहीं है, ठीक है, मेरी तो ये होनी चाहिए थी या वो होनी चाहिए थी, वो आपको करनी है। देन यहां से कोई भी कानून आपका नल एंड वॉइड नहीं हो सकता कि भाई ये कानून बना वो इनके अगेंस्ट जा रहा है, आपकी ड्यूटीज के अगेंस्ट, तो आप कहो कि उसको नल एंड वॉइड करो, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ही केस में होता है, डीपीएसपी और इसके केस में नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पैट सवाल है ये, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज ए रिमाइंडर जस्ट कि हम इस देश के हिस्सा हैं, सारी चीजें हमसे मिलकर बनी हुई हैं, तो हमें ये चीज याद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है राइट्स मिले हैं तो ड्यूटीज भी हैं, दोनों को पैरेलल बना के चलो, ठीक है। तो हमारा ड्यूटीज वाला खत्म हो गया है।
अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बचा है, ये ऐसा कैसे हो गया? ठीक, इसमें हम देखेंगे वार्निंग टू द एंटी सोशल और एंटी नेशनल, आप वायलेंस करोगे, ये वुमेन वाला हमारा हो गया, या पब्लिक प्रॉपर्टी वाला हो गया, तो ये वार्निंग है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि हम इंडिविजुअल एक्सीलेंस, कलेक्टिव एक्सीलेंस की बात करते हैं, तो ये हमारा हो गया। हेल्प एग्जामिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जस्टिसिएबल की जब हमने बात करी थी, तब वहां पे चीज क्या थी, एक कानून को इनवैलिड हम करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ले लेता हूं, हल्का सा बस। देखो, तो हमारा जो जस्टिसिएबल वाली जो नेचर है वो हम देखते हैं, तो वो आपका आता है कि भाई वहां से कोई कानून आपका नल एंड वॉइड यानी इनवैलिड किया जा सकता है या नहीं। वहां हम फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे तो यस, उसके अगेंस्ट कोई जाएगा तो हम करेंगे। डीपीएसपी में नो, फंडामेंटल ड्यूटीज में नो, प्रियम्बल में नो, ये हमने देख लिया। अब चीज आ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये है इनवैलिडिटी के लिए, बट मेरे को कोई वैलिडिटी देखनी है कि एक कानून बनाया और वो फंडामेंटल ड्यूटीज के पैरेलल सा है, मतलब उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कानून बना तो उसकी वैलिडिटी मैं एग्जामिन कर सकता हूं फंडामेंटल ड्यूटीज को अपने पास रख के, मतलब आप वैलिड करने में हेल्प ले रहे हो, वो चीज ठीक है, बट आप किसी कानून को इनवैलिड नहीं कर सकते फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, सेम चीज गोज विद डीपीएसपी भी और प्रीएम्बल भी, मतलब वैलिडिटी के लिए तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं बट इनको नहीं। एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ये हमने देख लिया, फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर, आईपीसी में भी, आरपीए में भी, वाइल्ड लाइफ एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम देख लेंगे। बाकी इन एक्ट्स में कुछ ऐसे प्रोविजन्स होते हैं जो आपकी ड्यूटीज को फिर से सप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और तो नहीं रह गया, ठीक है, अमेंडमेंट हमारा हो गया। तो आज का अभी हमारा ये वाला जो लेक्चर है ये हम वाइंड अप करेंगे, एग्जैक्टली 27 मिनट ही हुए हैं, आधे घंटे में अपनी क्लास खत्म होगी विद रिवीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल राइट से शुरू करेंगे और डीपीएसपी, तो हमारी जो सैटरडे की क्लास रहेगी उसमें मैं ट्राई करूंगा कि दोनों चीज़ों को हम कंप्लीट कर लें और दोनों चीज़ें हो जाएंगी आराम से कंप्लीट। ठीक है, आप लोग बड़े आराम से बैठे हो, मतलब आराम से इन द सेंस कि मतलब बैठे 6 घंटे बैठना भी बड़ी चीज़ होती है, कल तो हम बैठे भी थे, आज थोड़ा सा बस हमारा पेस भी ठीक हो गया है, हमने काफ़ी चीज़ें बहुत आराम से कवर भी कर ली हैं। अब क्या है कि इन द कमिंग टाइम मैं एक टेस्ट पेपर तैयार कर लूँगा, इसमें से जो हम नेक्स्ट क्लास के बाद हमारा जो वेडनेसडे आएगा एज डिसाइडेड 10th डे, तो 10 दिन आपके पास हैं टू रिवाइज आराम से। फिर जो हमारा टेस्ट होगा उसका हम डिस्कशन रखेंगे, वो हम ऐसे क्लास के बजाय ना मैं एक वीडियो बना के सबके पास भेज दूंगा। ठीक है, ताकि उसमें आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमारा टेस्ट डिस्कशन भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना रहा हूँ जिसमें हम अपना पूरा का जो अपना ग्रुप है वो रहेगा, उसमें क्या रहेगा, मॉर्निंग में मैं इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू, ये दो न्यूज़पेपर उसमें डालूंगा। ठीक है, वो मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उस हिसाब से हैं, तो वो आप पढ़ना चाहो, उसको व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा कहीं सर्कुलेट मत करना, स्पेशली हिंदू को। ठीक है, वो बस अपने लिए है कि भाई कई बार हमारे पास आता नहीं है, हमने अपने लिए पढ़ लिया, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें से नोट मेकिंग वगैरह हम आगे जब देखेंगे ना, तो मैं कुछ ऑनलाइन नोट मेकिंग का भी आपको प्रोसेस समझाऊंगा, ताकि उससे थोड़ी सी और चीज़ें इजी हो जाए। जैसे मैं अभी जैसे यूपीएससी समाचार में हमारा चल रहा है, तो जैसे वो क्लिपिंग्स वगैरह लेके मैं बना रहा हूँ ना, उन्हीं को कैसे बेस्ट तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, या इन द मीन टाइम मैं 5 दिन में एक वीडियो उस पर ही बना के हम डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि जो यूपीएससी समाचार को देखो अभी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखना, ये बनाई गई है इनिशियल स्टेजेस में, एटलीस्ट 2 महीने 2.5 महीने के अंदर हम बिल्कुल वो हो जाए। ठीक है, हमें बस आइडिया लग जाए कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो उसी लिए मैंने ये चीज़ शुरू करी है।
कि हमें उस चीज का फायदा मिलना चाहिए। हम 8 से 10 मिनट देखेंगे, उसमें तो 1-1.5 मिनट तो मेरे इंट्रोडक्शन की होती है, वो तो आपको सब पता ही है, आप स्किप करके सीधा न्यूज पे आ सकते हो। वो हार्डली 7 to 8 मिनट का पड़ेगा, उसमें हमारी न्यूज हुई, फिर आप न्यूज पेपर उठाओ, वही जो हम ग्रुप पे शेयर करेंगे आराम से, वहां से उन न्यूज को पढ़ो, ठीक है, वो हो गई, पढ़ लिया। अब उसके बाद उनके पॉइंट्स में हमें नोट्स बना लेने छोटे छोटे, ठीक है, या तो डेली बेसिस पे हम बना सकते हैं या हम उनको पेपर वाइज बना सकते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1 के एक जगह, 2 के एक जगह, 3 के एक जगह, पेपर 2 and 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट करंट के हिसाब से, वहीं पे ही ज्यादा स्टफ आएगा, ठीक है। उसमें जो हमारे टॉपिक्स जो यूपीएससी ने दे रखे हैं उस हिसाब से हम रख के 2 और 3 में हम ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। ये प्रोसेस शुरू करना है सबको अभी से ही, ठीक है, ये काम शुरू होगा। मान लिया 1 घंटे में हमारा न्यूज़पेपर कंप्लीट हुआ, 15 से 20 मिनट लगेंगे बस उन पॉइंट्स को नोट डाउन करने में, दिस इज इट, एक काम ये हो गया। फिर एनसीईआरटी का जो अपना वीडियो आएगा वो रहेगा लगभग 40 मिनट तक का भी हो सकता है, आधे घंटे 40 मिनट एक चैप्टर, तो ऐसे 2 वीडियो मतलब आधे घंटे के। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चलेंगे, इसी से ही चलेंगे अपन, कि भाई मैं सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको बताते हुए और समझाते हुए, ताकि हमारी एनसीईआरटीज भी साथ साथ कवर हो जाए। और हम पॉलिटी की ही शुरू करेंगे, और इसको ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं 6th से ही शुरू करूँगा, हम ज़्यादा ऊपर नीचे 3-5 आगे पीछे नहीं करेंगे, 6 से शुरू करेंगे, लास्ट तक लेके जाएंगे, ताकि जैसे जैसे हमारा पॉलिटी का सारा खत्म होगा हम एनसीईआरटीज भी खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। चैप्टर जरूरी नहीं है 2 ही हैं, 3 भी आ सकते हैं, बट 2 मिनिमम रहेंगे, ठीक है। कभी कभी हो सकता है मुझे काम हो तो मे बी ना भी आ पाए या ना आ पाए, ठीक है, क्योंकि थोड़े से अब काम आ सकते हैं 1-2 दिन के लिए मेरे लिए, तो मे बी अगर मान लो मंडे को नहीं मिल पाता है तो इसका इतना वो नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया एनसीईआरटी का चैप्टर, हम 1 घंटा निकाल सकते हैं उसके लिए, ठीक है, उसको फास्ट देख सकते हो या जैसे भी देख सकते हो, 1 एनसीईआरटी का हो जाएगा। फिर 2 टॉपिक हम मेंस के हिसाब से जो मैंने बताया उसमें सिर्फ हम पॉलिटी के ही टॉपिक लेंगे, जो हमने पढ़ लिया। मैं ट्राई करूंगा जितना हमने पढ़ा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक फीचर, जुडिशियल रिव्यू, इन टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उन्हीं में से हम 8-10 टॉपिक कवर कर ले अपने 1 वीक में। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, उनके वीडियोस तो मिलेंगे, स्लाइड्स की फॉर्म में मैं बनाऊंगा, आपको ट्राई सिर्फ इसके नोट्स, मतलब वैसे आपको ट्राई करना है कि उसी को वीडियो को देखते देखते उनके पॉइंट फॉर्म में साथ साथ नोट करते हुए चलो, ताकि जो 280 टॉपिक मैंने कहा था ना हम कवर करेंगे, उनके 280 टॉपिक्स के मेरे पास नोट्स होने चाहिए सारे, ठीक है, तभी फायदा है तैयारी का। 280 टॉपिक तैयार हैं, वहीं से ही सारा पेपर आएगा, ठीक है, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे स्टेट का हो, उससे बाहर नहीं आएगा। तो जब वो खुद लिखेंगे ना तब हमारा काम बनेगा। तो 3 चीज़ें हो जाती हैं, मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी और हमारे 2 टॉपिक। ये हमें रेगुलर बेसिस पे कैसे भी टाइम निकाल के, जैसे मैंने कहा था 1.5-1.5 घंटे की रहेगी, 1.5 से 2 घंटे पे जा सकता है, हो सकता है पहले भी हो जाए, वो चैप्टर से भी डिपेंड करेगा। तो जो भी डेली मिलता जाता है उसको एटलीस्ट कवर करते हुए चलना, ठीक है, प्लस बाकी अपने 4 घंटे जो भी रहे, मैं 5-6 घंटे की ही एंगेजमेंट चाह रहा हूँ बस, 6 घंटे भी अगर हम निकाल पाएंगे ना पढ़ाई से रिलेटेड तो बहुत है। बाकी जो भी टाइम मिले अपना रिवाइज करो, जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, उसके नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाओ, जो भी आपको करना है, उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम है, ठीक है। तो ये अपना ओवरऑल ऐसे ही चलेगा, और विद टाइम जैसे मैंने कहा कि मेंस के हम आंसर राइटिंग नेक्स्ट क्लास से ऐड करना शुरू कर देंगे, और उसके बीच में भी जो हम ग्रुप बनाएंगे, आपको कोई भी डाउट है एक तो मेरे को इंडिविजुअल मैसेज करना, ठीक है, ग्रुप पे मैसेज मत डालना, वो सबको देखना पड़ता है, फिर पर्सनल डाउट इंडिविजुअल मैसेज पे ही भेजने हैं, ठीक है। और ग्रुप पे हम सिर्फ और सिर्फ, अगर आप आंसर राइटिंग से रिलेटेड काम करते हो, वो आंसर लिख के उसकी PDF बना के वो आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, ताकि और लोग भी उसको देख लें, और उसका जो मैं इवैल्यूएशन करूं मैं उसको भी ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, ताकि वहां से उनको भी आइडिया लगे कि भाई हाँ ऐसे इस टॉपिक में ऐसे लिखा जा सकता था। कोई भी मान लो किसी ने भी आंसर लिखने का मन किया, लिख दिया, शेयर कर लिया, खत्म बात, चाहे कितने भी आंसर्स आए, अगर वहां पे ऊपर नीचे कुछ होते देखेंगे, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ आंसर्स आते रहेंगे तो हम उसको रेगुलरली चेक करके करते रहेंगे, ठीक है। इन 5 दिनों में हम ये कर सकते हैं, कभी भी कोई भी आंसर लिखने का मन करे, ठीक है, ये चलेगा। और बाकी हमारा टेस्ट रहेगा,
और विद टाइम जैसे जैसे चीज़ें और इवॉल्व होंगे हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो ओके। बाकी हाँ यार एक और चीज़ है, जैसे फीस से रिलेटेड मैं कहना चाह रहा था कि मतलब इतना नहीं है कि जल्दी से जल्दी करनी है, बट आपके हिसाब से एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सकता है ना उतना कर लेना, ठीक है?